कोई भी हो भाई, तुम लोगों में से एक बार किसी को यहां तक कोई डाउट है ना, सेंटर ऑफ मास की मोशन तक और मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तक, तो पूछ लो अगर किसी को पूछना है तो। अदिति जी सर, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं सर, रिया यस कोई प्रॉब्लम है? कोई यहां तक जो हमने कर लिया अब तक यहां? नो युक्ति युक्ति ये बेचारी बोलती नहीं लड़की। शांभवी यस कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक? सर, वो सेंटर ऑफ मास जो सॉलिड कोन का है सर, उसमें जो हम कोन बनेंगे, अगर हम टॉप से लेंगे, टॉप पे ओरिजिन लेंगे, तो सर सारे डायमेंशंस माइनस में लेने पड़ेंगे या फिर पॉजिटिव ले। वो अपने आप ही माइनस में आ जाएंगे। सर फिर तो माइनस में आएगा, मतलब सारे अगर माइनस में हो जाएंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में तो सेंटर ऑफ मास नीचे ही होगा ना, फिर तो -3h/4 आ जाएगा। सर तो फिर ओरिजिन हम नीचे से लें कि ऊपर से लें, फिर मतलब तो मैं माइनस थ्री नहीं, रहेगा। तो -3h/4 कोई गलत आंसर कोई है? ओके सर, समझ गए। मतलब तुम एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हो, वो पॉइंट ओरिजिन अलग अलग जगह है तो पॉइंट तो वहीं रहेगा ना, पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ही को बदलेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसके। ठीक है सर, अब तुम लोग यहां पे सबसे पहले देखो जरा कि जो हमने अभी तक काम किया है उसमें हमने ये देखा है कल जो किया था कि भाई अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसमें हमने पढ़ा था कि इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। यही पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? बोलो। ऐसा ऐसा हो। यही तो हमने काम किया था ना अभी तक। हाँ सही, यही पढ़ा था। हाँ, अब इसके हम लोग कल कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे, उसमें हमने ये कहा था कि भाई अगर एक बॉडी m1 मास की है, एक बॉडी m2 मास की है, तो सेंटर ऑफ मास को उसी जगह मेंटेन करने के लिए, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, तो एक तो इनको अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर ये m1 राइट में जा रही है तो m2 को लेफ्ट में चलना पड़ेगा, और अगर m1 लेफ्ट में जा रही है तो m2 को राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यस सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे फॉर सेंटर ऑफ मास टू बी एट रेस्ट, जो मास और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात है और ये अभी उनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का इक्वेटेड होना चाहिए। तो जितना इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट होगा उतना इसकी वजह से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि कैसा। जो हैवियर मास है उसका कम डिस्टेंस चलने से काम चल जाता है। मतलब जो बड़ी बॉडी है वो छोटी सी थोड़ी सी ही डिस्टेंस मूव करेगी, तो वो छोटी मास की जो बड़ी डिस्टेंस मूव हो रही है उसको वो कंपनसेट कर ले। हाँ सर, कर लेगी। चलो इसी के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा, मतलब अभी है तो ये आगे की बात, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार मतलब ये बता देता हूँ कि ये ना कितनी खूबसूरती है इसमें। तुम ये देखो कि जैसे ये अर्थ है और भाई अगर तुम देखोगे तो इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? सन रिवॉल्व कर रहा है।
सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है ना, ऐसा होता है। चलो तो अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। सन सन नहीं कर रहा। अच्छा चलो तुमने बताया, अच्छा करा बिल्कुल। चलो मून रिवॉल्व कर रहा है इसका। तो इन दोनों का एक सेंटर ऑफ मास होगा जो कहाँ होगा? अर्थ की तरफ। सेंटर से वो थोड़ा सा अर्थ की तरफ होगा यहाँ पर। अब तुम एक बात देखो कि अगर ये एक कंबाइंड सिस्टम है, मतलब अर्थ प्लस मून इज अ सिस्टम, बोलो ये बात समझ आई या नहीं? आगे सब। यस। तो अगर अर्थ प्लस मून एक सिस्टम है तो तुम मुझे ये बताओ इसमें कि अगर अर्थ प्लस मून एक सिस्टम है तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो अब जैसे तुम एक बात समझो जरा, तुम्हारा हाथ और तुम्हारा पैर वो तुम्हारी बॉडी तो है। Yes, sir. तो अगर तुम अपने हाथ से अपने पैर को धक्का देने लगो या अपने पैर से अपने हाथ को धक्का देने लगो, किसी भी तरह से, मतलब अपनी एक पैर से दूसरे पैर पे फोर्स लगाने लगो, तो वो एक सिंगल सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। यस सर। तो वो इंटरनल फोर्स काउंट होगा कि एक्सटर्नल काउंट होगा? इंटरनल होना चाहिए। वो इंटरनल होना नहीं चाहिए, वो इंटरनल ही होगा। यस सर। इसी वजह से तो हम अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर से फोर्स लगा के अपनी बॉडी को खिसका नहीं सकते। यस सर। तो यहाँ पे जब हमने अर्थ प्लस मून को एक सिस्टम कहा तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल। इंटरनल। तो यहाँ पे ये देखो कि अगर इसको इंटरनल कह रहे हो तो इस सिस्टम के लिए एफ एक्सटर्नल कितना है? कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। यस सर। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। जब यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। तो अगर ये मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर दे तो मून को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी? भाई जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के ऊपर, वो अर्थ की तरफ इसीलिए तो नहीं गिर रहा क्योंकि वो फोर्स सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करने में यूटिलाइज हो जाता है। यस सर। पर अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर दे, तो ये अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो तुम ये बताओ कि क्या ये अर्थ पे गिर पड़ेगा क्या? हाँ, जब आगे नहीं जाएगा और सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लगेगी। ये अर्थ पे नहीं गिर पड़ेगा, एक्चुअली में मून इस तरफ को चलेगा और अर्थ इस तरफ को चलेगी। देखो मून भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा ना। यस सर। और ये कहाँ मीट करेंगे? सेंटर ऑफ मास। यहाँ, चूंकि इस पॉइंट को मूव नहीं करना। ओके सर। तो अगर अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करना बंद करने के बाद अर्थ की तरफ अगर अट्रैक्ट होने लगेगा तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के ऊपर दोनों कोलाइड कर जाएंगे, मतलब अर्थ मून जैसे ही चलेगा तो अर्थ भी चल पड़ेगी, पूरा सोलर सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। बोलो ये बात समझ आई या नहीं है भाई? आ गई सर। तो इक्वेशन यही फुलफिल होगी, सही है? यस सर। ठीक, अब चलो और एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिएगा कि तुम लोगों के पास एक बोर्ड है, मतलब प्लैंक जैसा है, फिर वुडन प्लैंक है कोई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, मतलब तुम्हारे घर में कोई बेंच होगी, घर पे नहीं है, स्कूल में होगी, ठीक है ना। यस तो अगर तुम्हारे स्कूल में बेंच है कोई, तो तुम मुझे ये बता दो बस कि उस बेंच के ऊपर तुम वॉक करके देखते हो, बोलो। ओके सर तो बेंच तो वहीं स्टेशनरी होती है, तुम यस यहां से यहां से यहां से यहां से यहां ही शिफ्ट हो सकते हो, पर बेंच स्टेशनरी होगी, ठीक यस है। सर हाँ, अब देखो होता क्या है कि जो तुम्हारे स्कूल में बेंच है, एक्चुअल में जो उसकी लेग है, ये उनके बीच में और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन है या नहीं? ऐसा तो जब तुम इसके ऊपर वॉक कर रहे हो भाई, तो तुम इस बेंच के ऊपर फोर्स किधर को लगा रहे हो? पीछे। बैकवर्ड डायरेक्शन में और ये पीछे बेंच तुम्हारी बॉडी पे किधर फोर्स लगा रही है? आगे को। फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड अब देखो इस बेंच की टेंडेंसी इस बैकवर्ड फोर्स की वजह से किस तरफ जाने की है? पीछे। तो ये जो अर्थ के रिस्पेक्ट में बेंच पीछे जा रही है, तो अर्थ इसको रोकने के लिए किधर फोर्स देगी? आगे ये अर्थ का फोर्स हो गया। यस सर एग्री हो इस बात से? नहीं। हाँ सर हाँ सर तो तुम ये देखो, ये जो अर्थ का फोर्स है, हाँ अगर ये सर बेंच स्टेशनरी है, तो ये मैन का जो बैकवर्ड फ्रिक्शन है उसके इक्वल होना चाहिए, हाँ सर और ये इसके इक्वल होना चाहिए। यस सर तो बेसिकली मैन के ऊपर जो ये फ्रिक्शन आ रहा है, इसका ओरिजिन कौन है? वाली फोर्स अर्थ वाली फोर्स। और किस तरफ को डायरेक्टेड है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन अब तुम देखो कि अगर तो तुम मैन और इस बेंच को एक सिस्टम मानते हो, तो अर्थ तो फिर सेकंड सिस्टम हो गया ना, हाँ सर बोलो। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हो गया है तो इसमें जो ये फोर्स यहां तक गया, ये एक सिस्टम के ऊपर एक दूसरे सिस्टम से फोर्स है, तो इसको हम एक्सटर्नल काउंट करेंगे। तो यस सर यस इस आदमी को देखो तुम जरा भाई, पहले ये आदमी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद में यहाँ। तो आदमी का सेंटर ऑफ मास यहीं पे तो था, यस सर थोड़ी देर में ये यहाँ पे हो गया, थोड़ी देर में ये यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है हो रही है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर नहीं एक्ट करती, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता, पर यहां तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है। यस सर किससे ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा और है? अर्थ से। अब भाई जरा दूसरा केस देखो एक बार। ये वही बेंच है, फिर इसके ऊपर वही आदमी है। अब ये वॉक कर रहा है इसके ऊपर, ये एम मास, ये कैपिटल एम मास। अब तुम ये देखो कि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। ठीक है सर तो जब ये आदमी आगे की तरफ वॉक करने की कोशिश करेगा, तो इस आदमी के पैरों के ऊपर फोर्स आगे और इस बेंच के ऊपर इसकी रिएक्शन पीछे होगी या नहीं होगी? होगी सर पीछे तो बेंच किधर जाएगी? पीछे मूव कर लेगी बेंच मूव कर लेगी, और यहां पे इस लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो जो पिछले केस में फ्रिक्शन इसको रोक के रखे हुए था, अब वो भी काम नहीं आएगा, हाँ सर तो बेंच पीछे की तरफ खिसक जाएगी।
सर यस सर एग्री होना इस बात से हाँ सर तो अगर तुम मैन और बेंच को एक सिस्टम मान रहे थे तो उस सिस्टम क्या रिपीट करूं भाई बताओ सर नेट चला गया था मेरा तो मैं क्या रिपीट करूं मुझे ये बता दो वो आपने भी बताया ना वो पीछे जाएगी उसके बाद हाँ तो ये बेंच पीछे चली जाएगी मैंने यही तो बताया कि अर्थ के और बेंच के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो पीछे जाने को कोई अपोज भी नहीं करेगा वो चलती रहेगी पीछे पहले केस में अपोज कर रही थी अर्थ तो जा नहीं रही थी रेस्ट पर ठीक है सर तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये आदमी आगे जाता रहेगा तो एक सिस्टम के दो कंपोनेंट थे मैन और बेंच देखो यहाँ पीछे हमने लिखा भी है कि भाई ये मैन और बेंच सिस्टम वन था तो उस सिस्टम का एक कंपोनेंट आगे जा रहा है तो दूसरा कंपोनेंट पीछे जा रहा है हाँ सर तो क्यों जा रहे हैं ये ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट पहले अर्थ की तरफ से था अब फ्रिक्शनलेस होने की वजह से वो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो यस सर तो अर्थ के और इसके बीच में जब एक्सटर्नल फोर्स एंड हो गया तो ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा तो ऐसा क्यों हो रहा है जिससे कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट या राइट में मूव ना करे यस सर तुम ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हो नॉर्मली कि अगर वाटर सरफेस के ऊपर तुम एक प्लैंक रख लो और तुम उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे पैरों से पीछे भाग जाएगा तुरंत के तुरंत यस सर अगर तुमने कभी जिम में जो वो नहीं होती जो ट्रेडमिल जो ट्रेडमिल सी होती है तो उसके ऊपर जैसे ही तुम आगे की तरफ भागने की कोशिश करते हो तो उसका जो तुम्हारी पैरों के नीचे की जो लेयर है वो किधर भागती है पीछे जाती है वो इसीलिए तो पीछे जा रही है अब तुम उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ एक प्लैंक समझ नहीं समझ रहे यस सर और अगर तुमने हाथ छोड़ दिए तो उस ट्रेडमिल पे तुम भाग नहीं सकते तुम गिर जाओगे तुरंत के तुरंत यस सर क्योंकि उसके ऊपर जो वो बेल्ट पीछे मूव कर रही है वो इतने ज्यादा मास की नहीं होती कि वो तुम्हारी वजह से सेंटर ऑफ मास को मतलब बैलेंस स्टेट में रख पाए वो बहुत हल्की होती है तो उसका मास तो इफेक्टिव है ही नहीं यस सर मतलब उस एग्जांपल को तुम यहाँ कोरिलेट कर सकते हो जी सर बताओ भाई किसी को कोई डाउट हो तो नहीं है सर ठीक है अब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं देखो मतलब क्वेश्चंस इस पे किस तरह के बन सकते हैं वो ये कहेगा कि एक एल लेंथ की बोट या एल लेंथ की कोई प्लैंक है ये या तो बोट कहेगा तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है और वाटर और बोट के बीच में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ये आदमी एक यहाँ पे खड़ा है भाई ये एम नॉट मास है और ये कैपिटल एम है ठीक या फिर वो कहेगा कि एक प्लैंक है एम मास का है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है तो इसमें वो लिखेगा कि इफ मैन वॉक्स अप टू सेंटर ऑफ द बोट या फिर प्लैंक फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट तो अगर इस सवाल को मान लो कोई आदमी जिसको सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं ठीक है हाँ सर तो उस वो पड़ेगा कि आदमी जो है वो वॉक कर गया सेंटर ऑफ बोर्ड तक तो आदमी ये कहेगा भाई कितना आसान सवाल पूछ लिया ये इसका डिस्प्लेसमेंट तो एल बाई टू हो जाएगा यस सर पर कैसा होगा नहीं होगा सर नहीं होगा क्योंकि जब ये आदमी आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर भैया एफ एक्सटर्नल जीरो है तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट है तो इफ मैन वॉक्स फॉरवर्ड बोट विल मूव बैकवर्ड अब हमने मान लिया कि भाई ये जो ये आदमी है ये बोट के सेंटर तक चला गया और ये बोट की सिचुएशन ऐसी होगी बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को
नहीं सर। तो ये बोट चली गई पीछे एक्स, तो तुम इसमें ये देखो आगे जाने वाला कौन है और पीछे जाने वाला कौन। मैन आगे जा रहा है, मैन आगे जा रहा है, बोट आगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। कैसे? मतलब हम इस क्वेश्चन को यहां से दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। कैसे कि अगर तो सपोज कर लीजिएगा कि भाई हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चीजों को देख रहे हैं। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो तुम ये देखो ये जो ये आदमी है ये इधर गया एल बाई टू और ये बोट पीछे चली गई एक्स, तो आदमी नेट आगे कितना गए? एल बाई टू प्लस एक्स, एल बाई टू माइनस एल बाई टू माइनस एक्स, ग्राउंड के रेस्पेक्ट की बात हो रही है ये। ठीक है सर। भाई एक आदमी इस बोट पे खड़ा था, ये आदमी आगे चला गया एल बाई टू और बोट पीछे चली गई एक्स, तो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी पे ऐसा ही तो लगेगा जैसे वो एल बाई टू माइनस एक्स आगे गया। Yes, तो यहां पर हम लिखेंगे कि भैया एम नॉट एल बाई टू माइनस एक्स। अगर यहां किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। नो सर। एम वन एक्स वन किसके इक्वल होता है? एम टू एक्स टू के। अब एम टू है यहाँ एम और ये पीछे कितना जा रहा है? एक्स। हाँ सर। तो यहां से एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया एम नॉट एल बाई टू एम प्लस एम नॉट। बोलो। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना हो गया? एल बाई टू माइनस एक्स, एक्स हमने यहां से काउंट कर लिया, तो आंसर इस तरह से देंगे हम डायरेक्ट एल बाई टू लिख देंगे। ठीक है सर। अच्छा दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो हम विद रेस्पेक्ट टू बोट भी ट्रीट कर सकते हैं भाई, बोट के रेस्पेक्ट में। अब तुम सोचो कि चारों तरफ से ये बोट सील्ड है, तो तुम्हें बाहर का तो कुछ दिख नहीं रहा जी सर, पर तुम्हें थोड़ी सी समझ है चीजों की। तो तुमने देखा कि भाई जैसे मैं वॉक करके गया एल बाई टू डिस्टेंस, तो ये बोट पीछे जा रही है एक्चुअली में। हाँ सर। तो तुम्हें बोट की सराउंडिंग में सेंटर तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट दिखेगा? एल बाई टू तो दिखेगा। हाँ सर, जितना बोर्ड पे आगे मूव करेंगे भाई हमें दिखेगा कि हम पहले ही सेंटर पे खड़े थे, सेंटर पे चले गए तो अपने ने तो भैया एल बाई टू चल दी, हम तो आगे। हाँ सर। अब ये देखो हमने जो मास आगे ट्रेवल कर रहा है और जितनी डिस्प्लेसमेंट वो आगे ट्रेवल कर रहा है, हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया। ठीक है सर। अब ये इक्वल होना चाहिए एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू के, इसका मतलब जितना मास पीछे ट्रेवल कर रहा है उसको पीछे चलने वाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो वो आदमी फील कर रहा है कि बोट पीछे जा रही है, तो वो ये कहेगा कि यार बोट पीछे जा रही है तो मैं भी तो बोट के अंदर ही। हाँ सर। तो पीछे जाने वाले जो लोग हैं उनमें बोट भी है और मैं भी हूं। यस सर। तो पीछे कितना मास जा रहा है? एम प्लस एम नॉट। और कितना जा रहा है? एक्स। Extensions. तो जो आगे ट्रेवल कर रहे थे हमने उसका आगे की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी और जो पीछे चल रहे थे उनके पीछे। अब तुम यहां से x को कैलकुलेट करके देखो, भाई यही तो आ गया यहां से। हाँ सर। मतलब ऑब्जर्वेशन को थोड़ा तुम्हें कॉशियसली हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है सर। बोलो किसी को ये बात समझ नहीं आएगी? आगे सर सब बोलो भाई, जरा सबको समझ आया नहीं है? ये आ गया। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां अपने पास में एक दूसरी बोट है भाई, इसका मास है एम नॉट, फिर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है
एम वन मास का है, यहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा है, ये एम टू मास का है, ये दोनों सेंटर ऑफ द बोट की तरफ ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे मिल, मतलब इन दोनों ने फिक्स किया कि चलो भाई यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है सर, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, एग्री हो ना इस बात से? हाँ सर। तो जब इन दोनों ने बोट पे सेंटर पे मूव करने की कोशिश करी तो तुम्हारे पास दो केस हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं एक एक चीज को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर M1 का मास बड़ा है M2 से, यस सर, तो M1 ने भी L1 L by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, M2 ने भी L by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करी। मैं अगर इसको 2L ले लूं तो और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मुझे कैलकुलेशन फ्रैक्शन से बच जाएगी। तो इसने भी L डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने भी L डिस्टेंस ट्रेवल करी। पर ये बताओ कि जब M1 बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ चला गया नेट नेट? M1 की साइड, मतलब राइट में चला गया, क्योंकि ज्यादा बड़ा मास उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, छोटा मास भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ज्यादा बड़े मास का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से उसने टोटल सेंटर ऑफ मास को किस तरफ शिफ्ट कर दिया? राइट की तरफ। अब एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं तो सेंटर ऑफ मास तो मूव करना चाहिए नहीं? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास को वापस उसी जगह रखने में अब किसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा भाई? सेकंड वाले मास, सेकंड वाला पीछे थोड़ा ही जाएगा। जब दोनों को मीट करना है सेंटर पे, तो दोनों तो सेंटर पे मीट कर चुके हैं ना, इन्होंने तो अपनी मीटिंग फिक्स कर रखी है सेंटर, वो सेंटर ऑफ बोट पे। तो अब देखो इन दोनों ने तो, ये तो रिजिड है कि भाई हमें तो सेंटर पे मीट करना ही करना है। नेचर ये कहती है भैया सेंटर पे तो मीट कर लो, पर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास मूव ना करने को कौन रोकेगा? बोलो, बोलते ही नहीं यार तुम तो इतना सारा पढ़ाने के बाद भी। सर बोल, क्या क्वेश्चन था सो? भाई मैंने ये कहा है कि M1 और M2 ने फिक्स कर लिया कि सेंटर पे मिलेंगे। हाँ सर। M1 बड़ा है M2 से, यस सर। तो जब दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके सेंटर पे मिल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास को ज्यादा अफेक्ट कौन कर रहा है? M1 कर रहा है, तो सेंटर ऑफ राइट की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। पर सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि मुझे तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के शिफ्ट करना मुश्किल है। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? प्लैंक मूव करेगा इनके नीचे। किस तरफ? लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो प्लैंक को लेफ्ट में चलना पड़ेगा। एक तो केस ये हो गया, यस सर। अगर M1 स्मॉल हो गया M2 से तो प्लैंक राइट में मूव कर जाएगा, यस सर। और दोनों इक्वल मास के हैं तो दोनों सेंटर ऑफ मास को मूव कर ही नहीं पाए, प्लैंक कह देगा मेरी जरूरत नहीं, मैं तो यहीं स्टेशनरी। जी सर। तो ये एक तो ये कंफर्म कर लोगे ना कि भैया किस तरफ जाना है, क्या करना है? हाँ सर, कर लेंगे अब। हाँ देखो ये अच्छी चीज है, तुम थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा बारी नहीं होती चीज, आसानी आसानी से धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाती। हम ये मान लेंगे कि ये एक्स डिस्टेंस पीछे चला गया, तो यहाँ यहाँ पे भी हम वही दो तरीके से कर सकते हैं। अगर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे तो एम वन कितना आगे जाएगा, 2L लेंथ की है ना बोट, तो L माइनस x जाएगा ना। यस सर। M2 अब लेफ्ट में चलने वाले दो लोग हैं, ये बोट है और M2 भी तो लेफ्ट में ही चल रहा है, वो कितना जा रहा है? L प्लस x। यहां से x कैलकुलेट कर देंगे। हाँ सर। समझ पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह डील करेंगे? सर ये वाला फिर से बताना, लास्ट में जो आपने लिखा है। मैंने तो सिर्फ जो लेफ्ट में चल रहे थे उनको उनके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो राइट में चल रहे थे उनको, ये एक साइड रखे हमने, एक साइड चलने वाले, बोट लेफ्ट में जा रही थी, एम टू लेफ्ट में जा रहा था, उनको एक साइड रख लिया, एम वन राइट में जा रहा था उसको अलग रख लिया। अगर एक कोई और होता राइट में चलने को तो उसको इसके साथ ले लेते एम वन के। ठीक है सर। अगर यहाँ ये आदमी होता और इसके साथ कोई एक छोटा बच्चा और होता, वो भी इधर जा रहे होते, तो उसको इसके साइड कंट्रीब्यूट कर लेते हैं।
सर ये तब है ना जब M1 बड़ा है। हाँ तभी तो ये बोर्ड तुमने ही तो कहा था कि सर लेफ्ट में जाएगी, छोटा होगा तो राइट में जाएगी, फिर ये प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा, माइनस वहां ऐड हो जाएगा। ओके सर। मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने सीधी सीधी नॉर्मल चीजें बताई है तुम लोगों। बोलो किसी को डाउट हो तो बताओ जरा। नहीं है ना? नो सर। चलो अब इतना ही रखते हैं जरा, चूंकि टाइम खत्म होने वाला है। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आगे कोलिजन वगैरह का काम होगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है स्प्रिंग को रिलेटेड करके भी, और ये जो फायरिंग ऑफ बुलेट ऑफ गन भी है। तो कल थोड़ा ठीक से, तुम 5 मिनट तो आने में खराब कर देते हो, इसलिए तुम ना ऑन टाइम एकदम क्लिक करते, फटाफट ज्वाइन कर लिया। जी सर। ठीक है चलो, और यहाँ तक तुम कॉपी कर लेना, मैंने आज के नोट्स भी तुम्हें सेंड कर लिया, अगर तुम्हें कोई डाउट यहाँ तक हो तो उसे कॉपी पर लिख लेना, कल पूछ लेना मेरे से। ओके सर। ओके सर। मतलब एक एक चीज को थोड़ा ठीक से करोगे तो शायद हो सकता है कि भाई तुम लोगों को थोड़ा आसानी, समझ गए? यस सर। चलो कल मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।